आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा साइंस के बारे में। आज इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज डेटा साइंस, व्हाई डेटा साइंस एंड डेटा साइंस हम कैसे यूज कर रहे हैं, कौन से लैंग्वेज सीखने की जरूरत है एंड कितना पे आपको मिलेगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। फेसबुक पर जब भी आप फोटो अपलोड करते हैं तो फ्रेंड्स को टैग करने का ऑप्शन आ जाता है। वो अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये पर्सन कौन है और ये होता है फेस रिकॉग्निशन टेक्निक के थ्रू। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ फूड ऐप्स लाइक स्विगी, जोमैटो। जब भी आप स्विगी एंड जोमैटो खोलते हैं तो मोस्टली आपको डिशेस सजेस्ट की जाती है। ये डिशेस आपकी सर्चेबिलिटी के डेटा को यूज़ करके सजेस्ट की जाती है सो दैट कस्टमर इन डिशेस को खरीदे और सेल्स इंक्रीज हो। इसी तरह से ई कॉमर्स कंपनीज भी आपके सर्च के डेटा को यूज़ करके आपको प्रोडक्ट्स शो करती है। अब बात करते हैं डेटा साइंस इंडस्ट्री में वर्क फ्लो की। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू, जैसे कि ऑनलाइन डिपॉजिट्स, लॉग फाइल्स एक्सेट्रा। आफ्टर द कलेक्शन ऑफ द डेटा, जब इस डेटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद इसे स्टोर किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ SQL एंड Oracle, और ये काम होता है DBA persons का। इसके बाद इस डेटा की क्लीनिंग होती है, इसे प्रोसेस किया जाता है और मैनिपुलेट किया जाता है एज पर आवर रिक्वायरमेंट। आफ्टर दैट इसके बाद लेबलिंग की जाती है इस डेटा की, डेटा को ट्रेन किया जाता है और उसके ऊपर कुछ एनालिसिस परफॉर्म किए जाते हैं एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट, और ये काम होता है डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर का यूजिंग पाइथन, सैस और आर। लास्ट स्टेप होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बिल्ड करने का, और ये काम किया जाता है डेटा साइंटिस्ट के थ्रू। स्टार्टिंग से लेके एंड तक के पूरे एल्गोरिथम डिजाइन के टास्क में डेटा साइंटिस्ट का मेन रोल रहता है और डेटा साइंटिस्ट इस टीम को लीड करते हैं। इसके बाद AI प्रिपेयर किया जाता है। अब हम बात करेंगे डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए स्किल्स की रिक्वायरमेंट के बारे में। सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है मैथ्स। मैथ्स में आपको स्टैट्स एंड बेसिक मैथ्स पर कमांड होनी चाहिए, और इसके लिए कोई आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई भी ग्रेजुएशन में डिग्री ली हो और ग्रेजुएशन करते हुए भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके बाद हमें चूज करना होता है डोमेन। आप किस डोमेन में काम करना चाहते हैं, लाइक आप फाइनेंस, फार्मेसी, फूड चेन, किस में काम करना चाहते हैं, किस डोमेन में आप आगे जाके अपना करियर बनाना चाहते हैं। बीइंग ए डेटा साइंटिस्ट, आपकी डेटा क्लीनिंग पर कमांड होनी चाहिए, इसके साथ ही स्टैट्स पर, और अगर आप में ये दोनों स्किल्स हैं तो आप एक परफेक्ट डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं हम हमारी कंपनी के बारे में, मेकनाउ। मेकनाउ डील करती है डेटा एनालिटिक्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, चैटबॉट्स एंड वॉइस बॉट्स में। नाउ वी आर आल्सो इन ट्रेनिंग ऑफ डेटा साइंस। हम बूट कैंप्स कंडक्ट करते हैं और इसके साथ ही डेटा साइंस की ट्रेनिंग भी ऑफर कर रहे हैं। इसमें हम आपको बेटर क्वालिटी की ट्रेनिंग, अफोर्डेबल कॉस्ट और इसके साथ ही रियल टाइम केस स्टडीज, रियल टाइम प्रॉब्लम से डील करना सिखाते हैं। मेकनाउ में जो भी ट्रेनर्स हैं वो सभी एक्सपर्ट्स हैं डेटा साइंस इंडस्ट्री से। इसके साथ ही आपको एक कैपस्टोन प्रोजेक्ट और एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपको एक्सटेंसिव इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है, और इसके साथ ही स्टूडेंट्स को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। जो एवरेज सैलरी है डेटा साइंस डोमेन की वो है 4 to 18 lakhs, और ये डेटा प्रोवाइड किया है क्लास डोर ने। और इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स करिकुलम की, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।